घटना मैंने कभी सुना नहीं। इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना, पुलिस लात से विधायकों को मार रही है, मंदिरों में, लोकसभा और विधानसभा मंदिर है। मुझे लगता है, मैं जितना समझता हूं, इस स्पीकर को अविलंब बर्खास्त को हटाना चाहिए, इस पर अभियोग लाना चाहिए विपक्ष को। साथ साथ नीतीश कुमार जी का अध्याय इंडिया में काला अध्याय में लिखा जाए। नीतीश कुमार जी ये समझ नहीं पाए हैं उन्होंने क्या कर दिया है कल, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना के बाद वहां एंजॉय हो रहा है, नाच गान हो रहा है, खाना चल रही है, सड़कों पर होना अलग बात है, विधानसभा के भीतर रैपिड एक्शन फोर्स बुलाना इससे बड़ा संविधान विरोधी, नियमावली विरोधी कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरे ख्याल से इस मुद्दे को पूरे भारत के स्पीकर से चर्चा करनी चाहिए, ये देश में बहस का मुद्दा होनी चाहिए। क्या कल जो घटना घटी, अब कोई विधायक का सम्मान पूरे बिहार में बचा? मैं जदयू और बीजेपी के विधायक से जानना चाहता हूं, क्या अब आपकी बात कोई एसपी और कोई दरोगा सुनेगा? सिपाही लात से पीट रहा हो, फाइट से मार रहा हो, बाप रे बाप, दुनिया में ये डरावना खौफनाक सीन था। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, हाईकोर्ट को इंटरफेरेंस करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करना चाहिए, क्या विधानसभा में जो हुआ वो सही है या गलत है। लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्यारी सरकार अब कोई नहीं हो सकती। विपक्ष के नेता को कल सबसे पहले लाठी और गोली खानी चाहिए थी। मूक दर्शक बनकर के 112 विधायकों का विपक्ष का नेता, और मुझे लगता है कि अब सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए विपक्ष के नेता सहित पूरे विधायकों को, ये सरकार अकेले चले और इस पूरे प्रकरण को जरूरत पड़ेगी तो हम हाईकोर्ट ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे कि भगत सिंह के शहादत दिवस पर वहां नाच गान कैसे हो रहा था, और जो लोहिया जी महिलाओं के सम्मान की बात किए थे, लोहिया जी की जयंती थी और उसके बाद महिलाओं को पीटा जाना, नंगा करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। नीतीश जी, आपके भीतर का जो हिटलर का चेहरा है ना, वो दुनिया जानती तो थी, कल आपने सब कुछ दिखा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। कल विपक्ष के नेता की भूमिका सही नहीं थी, उनके सामने उनके विधायकों को पीटा जा रहा था और वो मूक दर्शक बने हुए थे, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और जिन विधायकों को पिटाई लगी उनको एक मिनट भी विधायकों के पद पर नहीं रहनी चाहिए, और जिन्होंने पीटा है उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और नीतीश जी ये बताएं कि भगत सिंह की शहादत पे आपने नाच गान कैसे किया और इंजॉय कैसे किया, ये दुनिया जानना चाहती है।